हेलो स्टूडेंट फॉर फर्स्ट ईयर क्लास द प्लैंकिन बियरर ये पोएट्री की लास्ट पोएम है जो कल आपको पढ़ाई थी। इसका सेंट्रल आइडिया भी लिखवाया था और आज इसका एक एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग द प्लैंकिन सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू जिसकी पोएट्री है सॉफ्टली और सॉफ्टली यहां से मैं लिखवाने जा रहा हूं। पर्ल ऑन स्ट्रिंग लास्ट पैरा है इसका। एक बार इस पैरा को दोबारा मैं पढ़ा देता हूं। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली बी बियर हर अलोंग, धीमे धीमे हल्के हल्के हम इसको ले जाते हैं। ये पालकी ले जाने वाले कहते हैं कि धीमे धीमे हल्के हल्के हम इसे ले जाते हैं। सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, ये हमारे गीतों में ओस की बूंदों की तरह तारों की तरह लटकी हुई है। सी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, यह है समुद्र में आने जाने आने वाले ज्वार भाटा की लहरों की तरह स्प्रिंग आगे बढ़ती है। सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आई ऑफ ए ब्रिज, वह दुल्हन की आंखों से गिरने वाले आंसुओं की तरह नीचे जाती है यानी रखती है जमीन पर। लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, धीमे धीमे हम इसको ले जाते हैं और हम गाते हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन स्ट्रिंग, और एक धागे में परोए हुए मोती की तरह हम इसको आगे ले जाते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद फिर से बता दिया मैंने, इसका रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस दीज लाइन taken from the poem the Plankton Bearer composed by Sarojini Sarojini Naidu, ये इसका रेफरेंस हो गया कॉन्टेक्स्ट में। इन दिस पैसेज स्टैंजा लाइंस कुछ भी आप लिख सकते हैं। In this passage, the poetess describes how the plankton bearer mirrors carry
कैरी एक तरफ, टू डाल कवियत्री ये वर्णन करती है किस प्रकार से ये पालकी ले जाने वाले ले जाते हैं इसको दुल्हन के पति के घर। एक्सप्लेनेशन इसको देखें, the poetess said that the thanking mirror the planting softly, बहुत हल्के हल्के ले जा रहे हैं। The planting hangs like a star. हंस माने लटकती है, लाइक ए स्टार। इन द ड्यू ऑफ द सॉन्ग ऑफ द गेलर्स गीरस की गीत पर है, ओस की बूंदों में ताले की तरह कर रही है। सी जंप्स लाइक प्रत्येक लाइन में यहां पर सिमिली अलंकार दिया हुआ है। अ रे ऑफ लाइट she falls like a tear she falls like a tear from the eyes of bread The plankton looks like a pearl. ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। एक बार इसको फिर से देख लीजिए।
द बाइटस सेल कवियत्री कहती है दैट द प्लैंकटन बियरर्स आर कैरिंग द प्लैंकटन सॉफ्टली। कवियत्री कहती है कि पालकी ले जाने वाले पालकी को बहुत धीमे धीमे ले जा रहे हैं। द प्लैंकटन हंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ द सॉन्ग ऑफ द बियरर्स। ये पालकी जो है पालकी ले जाने वाले के गीत में ओस की बूंदों में तारों की तरह लटकी हुई है। सी जंप्स लाइक अ रे ऑफ लाइट, वह रोशनी की किरण की तरह उछलती है। सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ ए ब्रेड, और वह दुल्हन की आंखों से आंसुओं की तरह गिरती है। मतलब क्या था कि जब पालकी ले जाने वाले चलते हैं तो थोड़ी थोड़ी इस तरीके से ऊपर नीचे होती है, तो जब ऊपर उठती है तो लाइट का दिखा है रे ऑफ लाइट, और जब नीचे गिरती है तो लाइट क्लियर फ्रॉम द आई। द प्लैंकटन लुक लाइक ए पर्ल, ये पालकी मोती की तरह दिखती है। हंगिंग ऑन ए स्ट्रिंग, धागे में लटकी हुई यह एक मोती की तरह दिखती है। इस प्रकार से ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। इसमें ऊपर से एक बार फिर से देख लीजिए, पहले लिखना है आपको रेफरेंस, और रेफरेंस इस प्रकार लिखा जाता है दी लाइंस हैव बीन टेकन। आप यहाँ पर दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन भी लिख सकते हैं, दिस पैसेज हैज बीन टेकन भी लिख सकते हैं फ्रॉम द पोएम द प्लैंकटन मिरर। ये पोएम प्लैंकटन मिरर से दिया गया है, कंपोज्ड बाय, यहाँ पर आप रिटन बाय भी लिख सकते हैं, सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा हुआ। यह लाइन है सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी हुई कविता पोएम कविता प्लैंकटन मिरर से ली गई है। इन दिस पैसेज अब कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि इन दिस पैसेज द पोएट हैज डिस्क्राइब, इस पैसेज में कवियत्री वर्णन करती है हाउ द प्लैंकटन मिरर्स कैरी, इस प्रकार से पालकी ले जाने वाले ले जाते हैं कि माने इसको पालकी को टू द फ्रेंड्स हस्बैंड हाउस, दुल्हन के हस्बैंड के घर कैसे ले जाते हैं, कैसे ले जा रहे हैं ये एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। द पोएटस सेज कवित्री कहती है दैट द प्लैंकटन बियरर्स आर कैरिंग, कि पालकी ले जाने वाले ले जा रहे हैं द प्लैंकटन पालकी को सॉफ्टली बहुत हल्के हल्के। द प्लैंकटन हंग्स लाइक ए स्टार, ये पालकी जो है तारे की तरह लटकी हुई है। इन द ड्यू ऑफ सॉन्ग गीतों की लैने या पोस की लैने ऑफ द बियरर्स, तो पालकी की ले जाने वाले होंगे जो पालकी वाले ले जाने वाले गीत गा रहे हैं उसकी लाइन के लाइन तारों की तरह लटकी हुई है। सी जंप्स लाइक अ रे ऑफ लाइट, वह जब उछलती है तो प्रकाश की किरण की तरह, एंड फॉल्स जब गिरती नीचे हो आती है तो लाइट क्लियर फ्रॉम द राइज ऑफ द दुल्हन की आंखों से आंसू की तरह। द प्लैंकटन लुक लाइक ए पर्ल, ये पालकी मोती की तरह दिखती है। हैंगिंग ऑन ए स्ट्रिंग, धागे में लटकी हुई, यह पालकी धागे में लटकी हुई एक मोती की तरह दिखती है। तो इस प्रकार से आज आपका ये पोएट्री का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, यानी पोएट्री किताब भी आपकी समाप्त हो गई और प्रोज भी उससे पहले पूरी हो गई। शॉर्ट स्टोरी ये भी आपकी पूरी हो गई, यानी आपका कोर्स आज समाप्त हो गया। फिगर ऑफ स्पीच भी हो गए आपके, लेटर भी हो गया, ऐसे भी हुए, ग्रामर पूरी हो गई, कोर्स तो आपका समाप्त हो गया। अब कल से इसका रिवीजन चालू हो जाएगा। आप लोग फेयर कॉपी में लिखें, तैयारी करें एग्ज़ाम की, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।